जी, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ अपने घर में खुशबाश होंगे। तो व्लॉग का आगाज करती हूँ मॉर्निंग से। फजर के बाद का वक्त है और मैं निकली हूँ वॉक पर, क्योंकि आज है जुमा और आज बहुत से काम है। इसलिए मैंने सोचा कि मॉर्निंग वॉक जो है वो कर ली जाए, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी दिन शुरू करने से पहले अगर हम कर लें तो इससे हमारा वजन तो कम होता ही है, साथ ही हमारा मन जो है वो भी हेल्दी रहता है और एक हमें एक अच्छा सा जो है वो बूस्ट मिलता है हमारे दिन की शुरुआत करने का। तो जरूर करें, रोज एक्सरसाइज करें, ना हो तो वॉक ही कर लें। और जिस दिन आपको वक्त थोड़ा ज्यादा मिले उस दिन जो है ऐसे वॉक ना करें, कुछ हेल्दी वेट उठा लें या इलेप्टिकल वगैरह या बाइसिकल वगैरह कर लें। अच्छा जी, इस वीडियो में जो है वो मैंने वॉइस ओवर तो करी थी, लेकिन जब मैंने उसको बाद में सुना तो उसमें से आवाज़ जो है वो कम आ रही थी और हवा की आवाज़ मेरी आवाज़ से ज़्यादा आ रही थी। वेल, ये जो है एक डिसएडवांटेज भी है एक्रेस जोन में रहने का, और एडवांटेज भी है कि आप खुली आबो हवा में रहते हैं और ज़्यादा फ्रेश महसूस करते हैं। खैर, मैंने अभी बहुत दिनों से जो है वो वजन चेक नहीं करा है, क्योंकि रुजुता मैम अक्सर कहती हैं कि वजन जो है वेट स्केल पर सिर्फ रद्दी का होता है, इंसान का नहीं होता है। तो 2022 में मैंने सस्टेनेबल डाइट को अडॉप्ट करा है और अब मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ। तो अभी बैक पेन की वजह से थोड़ा सा मैं नहीं कर पाई बीच में, क्योंकि मेरी स्पाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, दैट्स वाई मेरा वजन जो है वो बढ़ गया। हाँ, लेकिन ठीक है ना, अगर हमारा वजन बढ़ता भी है तो हमें ये देखना है कि हमारे मेंसेस क्लियर है या नहीं, या हम चाय कॉफी के दीवाने तो नहीं हो रहे हैं ज्यादा, या हम शुगर के दीवाने तो नहीं हो रहे हैं। बिलाशुबा वजन जो है वो अगर स्केल पर बढ़ा भी है तो भी हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है वो अच्छा होना चाहिए। मैंने इस चीज को अपने आप में महसूस करा कि मेरा वजन जरूर बढ़ा, इंचेस जरूर बढ़े, लेकिन मैं फिर भी हेल्दी थी। तो इस चीज ने मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन दिया और मैंने अपना वजन जो है वो वेट स्केल पर नहीं चेक करा, बल्कि अपने आप को देखा कि मुझ में हर महीने जो है वो इम्प्रूवमेंट क्या हो रहे हैं। स्किन अच्छी हो रही है, बाल अच्छे हो रहे हैं, और फॉलो सिर्फ ये करा है कि अपने घर का खाना खाया है। और रुजुता मैम अक्सर कहती हैं ईट लोकल, सीजनल और ट्रेडिशनल, सिर्फ इसी को फॉलो करा है, उनों के नियम को फॉलो करा है और मुझ में डेफिनेटली चेंजेस जो है वो आए हैं। तो चलिए जी, अब निपटाते हैं घर का काम और आपके साथ शेयर करती हूँ मैं रेसिपी कि किस तरह से हम ऑयल मैनेजमेंट जो है वो कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए जी, देख लीजिए आप रेसिपी। ये तो ये देखिए, आजकल ये जो बड़ा वायरल चल रहा है ना, लहसुन इसमें पील करके और ग्रीन चिलीज वगैरह भी डालकर बैंगन को रोस्ट कराया जाता था। दरअसल मैंने भी इस तरीके से अभी आज करके देखा है, देखती हूँ कि कैसे बनते हैं वैसे तो, क्योंकि जो ट्रेडिशनल तरीका है ना हम तो उस तरीके से बनाते हैं और लाजवाब बनते हैं। हाँ, और ये सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि आप सब कुछ खाएं और आप मोटे नहीं होते, तो मैं तो बिल्कुल ब्लेस्ड नहीं हूँ इस मामले में। तो जैसे ही थोड़ा सा भी शुगरी या बेकरी आइटम खाया तो जो है वो मैं मोटी हो जाती हूँ। तो कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट करने में डरती हूँ कि इस तरह की अगर कुछ चीजें होती है तो ऐसा तो नहीं कि रेसिपी तब्दील हो जाएगी, ज्यादा तेल लगेगा या कुछ हो जाएगा तो फिर मोटे हो जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको पील ऑफ करा है और रखा है, कोई ये इतना ना सॉफ्ट नहीं हुआ है, देखते हैं अभी। और इसमें मैं अब डालूंगी, ये मेरे पास पीनट ऑयल है, रिफाइंड ऑयल यूज ना करें, फिल्टर यूज करें तो पीनट ले लें, पीनट ऑयल। ये देखिए, और तीन हम फर्द हैं घर में, तीन मेंबर हैं, इसके अकॉर्डिंग 45 ग्राम तेल होता है तो 50 ग्राम में एक टाइम की सब्जी में डाल देती हूँ। अब हमें इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने देना है और अच्छी सब्जी बनती है, आप यकीन करें। ऐसा भी नहीं लगता है कि बिल्कुल तेल कम है, क्योंकि फिर वो क्या होता है अगर हम इस तरह का कुछ खाते हैं ना तो हमारा ध्यान फिर खाने में ही होता है और फिर हम भूख अपनी बर्दाश्त नहीं कर पाते, टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते, तो फिर वो ये भी होता है सस्टेनेबल वेट लॉस नहीं होता है, जैसा अभी मेरा हुआ है। और ये रुचिता मैम की बुक पढ़ने के बाद ही जो है थोड़ा सा लगा कि नहीं अब इस तरफ भी जो है वो आया जाए। चलिए जी, ये मैंने डाला है 1 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट और इसी में जो है मैं इसको सौते करूंगी। हाँ, यहाँ पर मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि बहुत से होमगर्ल्स ऐसी होंगी जिनको देखकर ये लगेगा कि मैं तो अभी भी काफी मोटी हूँ। हाँ, तो ये बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन जो लोग व्लॉग देख रहे हैं उनको पता होगा कि ईद के बाद से 2.5 किलो रिड्यूस हुआ है। ईद पर तो काफी डबल चिन थी, स्वेलिंग भी थी। वेल,
तो अभी हुआ है ना, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। अगर 1 किलो भी जाता है ना बॉडी से, तो हमें हैप्पीनेस ही होती है। इंचेस भी जो है वो जब जाते हैं तो ज़्यादा खुशी होती है। और मुझे तो है ना वेट से ज़्यादा जब इंचेस कम होते हैं ना, तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। ये चलो भाई, हम जो है अब हमारा ड्रेस जो है वो पुराने वाले ड्रेस पहन पाएंगे। हमें प्याज थोड़ा सा दिखता हुआ ही चाहिए, इसलिए हमने थोड़ा सा लॉन्ग वे में कट करा है। अगर आपको बिल्कुल महीन प्याज चाहिए, अभी स्पाइन के दर्द का ये हुआ है कि वो बहुत हद तक कम हो गया है, पर अभी भी है ना जैसे भारी डंबल्स वगैरह उठाने में मुझे डर लगता है। तो इंशाल्लाह वो भी जैसे सेटल डाउन होता है, आपको पता है उसके बाद अगर मैंने एक बार वेट लिया तो मेरा वज़न इजीली कम हो जाएगा, क्योंकि मेरा वज़न है ना कार्डियो से इतनी जल्दी नहीं जाता जितना वेट लिफ्टिंग से जाता है। खैर, स्पाइन से बढ़ के नहीं है, प्रॉब्लम्स की वजह से पुट ऑन हुआ है, हो जाएगा। चलिए जी, अब इसमें हम जिंजर डालेंगे कद्दूकस करके, वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। चलिए जी, ये मैंने डाल दी है इसमें जिंजर, जो कि मैंने आपको कद्दूकस करते हुए दिखाई नहीं है, सिर्फ डाली है। हमें इसे थोड़ा सा और भूनना है मीडियम फ्लेम पे। थोड़ा सा मैं इसमें 2 घूंट जितना पानी डालूंगी ताकि मसाला जो है वो चिपके नहीं। हाँ, जो कम ऑयल में सब्जी बनाते हैं ना, उनको थोड़ा सा पेशेंस रख के सब्जी बनाना पड़ेगी, तो ही सब्जी जो है वो अच्छी बनती है। क्योंकि ज़्यादा तेल होता है ना तो जल्दी से मसाला भुना जाता है, लेकिन लो ऑयल में मसाला जो है वो थोड़ी देर में भुनाता है। चलिए जी, अब मैं डालूंगी इस स्टेज पे ज़ीरा, क्योंकि अगर मैं ज़ीरा पहले डाल देती तो ज़ीरा जो है वो अभी तक तो बर्न हो जाता, क्योंकि हमारा तेल इसमें कम है। साथ ही मैं डालूंगी रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, सब हसबे जायका डालें, आप जितना खाते हैं उतना डाल लें। सॉल्ट, कोरिएंडर पाउडर, बस टर्मरिक थोड़ी सी कम है, बाकी सब मैंने पौना पौना चम्मच लिया है, क्योंकि हम इसको खाने वाले हैं ज्वार की रोटी के साथ, तो वो सेटल डाउन नहीं होता तीखे के साथ, ये याद रखिएगा। तो जब भी आप ज्वार की रोटी के साथ कोई भी चीज खाएं तो मिर्च थोड़ी सी कम रखें, वरना तीखी मिर्च जो है वो उस रोटी के साथ अच्छी नहीं लगती है। या गंदम की रोटी के साथ तो फिर भी चलो बाइट जो है वो प्रॉपरली बन जाती है, तो इस वजह से तीखा कम लगता है। वरना ऐसी खुश्क रोटियां जिनके साथ प्रॉपरली बाइट नहीं बन पाती है ना, उनके साथ मिर्च तेज लगती है। खैर, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है, देसी लैंग्वेज में मैंने समझा दिया है जी। चलिए जी, मसाला भुनने के बाद जो है मैं इसमें भरता डाल दूंगी और फिर इसको कुक करेंगे। अभी हम इसमें डालने वाले टमाटर, ये देखिए हमने इसमें अब डाल दिया है टमाटर। मिर्च डालने के थोड़ी देर बाद आप डाल दें टमाटर, इसलिए टमाटर डालते हैं कि जो जूस रिलीज होगा उससे जो है मिर्च पक भी जाएगी और बर्न भी नहीं होगी। ये ट्रिक मैंने आई थिंक शेफ रणवीर ब्रार के उसमें सुनी थी, यस उन्हीं के उसमें सुनी थी, लेकिन कारगर टिप है। फोर्क की हेल्प से हम जो है ऐसे करेंगे इसे। ये देखिए, ये पूरा प्रॉपर हुआ नहीं है, ये सॉफ्ट नहीं हुआ है ये। चलिए जी, ये करने के बाद हम इसको मसाले में डाल देंगे। चलिए जी, अब मैं इसमें डाल दूंगी ये भरता, और एक हाथ से मोबाइल पकड़ रखा है और एक हाथ से सारा काम कर रही हूँ। ट्राईपॉड नहीं लगाया है क्योंकि काम बहुत सारा है, तो अब वो फिर ट्राईपॉड को निकालो लगाओ वक्त जाया होता है, इसे नहीं लगाया। और देखें आप कितना ऑयल इसमें दिख रहा है, लाजवाब भरता जो है वो बन के रेडी होना है। प्याज ले लेंगे और उसमें सिरका डाल देंगे तो बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और साथ में ज्वार की रोटी। ये देखिए, ज्वार की रोटियाँ जो है वो बन रही है, और ये रहा भरता। ये जिंजर जो है रखा हुआ है, तो सब क्लीनिंग करना है, और ये है गंदम के आटे की रोटियां, बनाना है मुझे। Rock-a-bye, baby, on
बाद जी मैंने जोहर की नमाज पढ़ी, जो असकार थे वो पढ़े, और ये जो दही आप देख रहे हैं ये दरअसल 4 बजे का वक्त है। हर 2 घंटे में हमें कुछ खाना होता है, तो मुझसे तो खैर खाने की नहीं बनती है, तो मैं क्या करती हूँ कि जोहर के बाद जो है वो सीधे फिर असर में कुछ ले लेती हूँ, या तो दही ले लेती हूँ या पीनट ले लेती हूँ, क्योंकि सनसेट के बाद जो है वो दही नहीं लिया जाता है, तो खाने के साथ नमक वगैरह रहता है तो भी दही लेना मुनासिब नहीं है, तो मुझे ये सूट करता है, इसलिए फिर मैं उसको 5 बजे से पहले पहले जो है वो ले लेती हूँ। और यहाँ पर ये आप मेरी स्टूडेंट देख रहे हैं जो कि अभी मेकअप सीख रही है मुझसे, तो फिर वो आ गई थी, उनको मैंने पढ़ाया, और उसके बाद जब वो गई तो शाम में खाने का वक्त हो गया था, तो दिन में इतना हेवी लंच लिया था इसलिए फिर मैंने ओट्स ले लिए, सिंपल दूध डाल के मैंने ओट्स बना लिए, और इतने यमी लगते हैं आप यकीन करें, बिल्कुल सटाइटी आपकी हो जाती है, आपका स्टमक फुल हो जाता है, अगले दिन आपको जो है वो सुबह ये उठाकर ही वॉशरूम पहुंचाते हैं, लिटरली इतना फाइबर आपकी बॉडी में चला जाता है। तो चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मुखातिब होती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।